जी रक्षा के मामले में। देखिए कुछ छात्र आए हैं, आप कौन सी क्लास पढ़ती हो? बीएससी फर्स्ट ईयर। वोट बन गया आपका? हाँ बन गया। अरे पहली बार बनाए? हाँ। अच्छा किसको दोगी इस बार वोट? पता नहीं। अब योगी सरकार से खुश हैं आप लोग या नहीं, कोई दूसरी सरकार चाहिए? खुश है। चलिए इधर कुछ छात्राएं खड़ी हैं, आप भी इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में? बीकॉम में। वोट बन गया आप लोगों का? नहीं। अच्छा अभी नहीं बना। अब सरकार की बात हो रही है, चुनाव आ रहे हैं पता है यूपी में, चुनाव तो किसका लग रहा है इस बार? पता नहीं कौन सी सरकार बन जाएगी। योगी सरकार लग रहा है कि आ जाएगी या फिर जाएगी? आ जाएगी। आपको भी लग रहा है? हाँ। जीत जाएगी बीजेपी? हाँ। आपका वोट बना? नहीं। अभी आपका वोट बन गया? नहीं बना। अच्छा लेकिन लग रहा है सरकार आएगी योगी? हाँ। सरकार। चलिए हमने छात्राओं के मन को और मूड को समझा, हमने कॉलेज के लोगों से बात की कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है। अब आपको हम ग्रामीण वोटरों से बात कराएंगे कि आखिरकार जो चंदौसी विधानसभा के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ लोगों का क्या मूड है। चलिए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो इलेक्शन की राम राम का सफर लगातार चल रहा है और हम आटा गांव पहुंचे, लेकिन आटा गांव में देखिए सड़क खराब है, कुछ महिलाएं मिल गई हैं। इधर सड़क बहुत खराब है आपकी? बहुत परेशान है मिताजी सड़क से। अच्छा ये उनको ही वोट देंगी जो इनकी सड़क संभालेगा, सड़क जो संभालवाएगा भाई को देंगे वोट हम तो। अब चुनाव भी आ लिए, अब नेता आते हैं, वोट मांग रहे हैं अभी ना आए तो प्रधान ने सड़क ना बनवाई ना। प्रधान ना कुछ ना कर रहा हूँ हमारे गांव में। प्रधान ना कर रहा हूँ, वही करा रहा हूँ, अपने बेस काम करा रहा हूँ। प्रधान बना रहे भी तो कुछ ना करा रहा है। प्रधान कुछ ना कर ना कर रहा है अभी कुछ। अच्छा वोट पड़ेंगी एक तो अखिलेश योगी सर, अब किसे बनवाओगी? जो हम आते हैं जो हमारा सड़क करवाओ बा को। अच्छा जो हमारा काम करा वो देंगे वोट हम। अच्छा नहीं अब योगी सरकार कुछ काम कर रही है, बिजली पानी राशन मिल रहा है गाँव में? हमें तो राशन मिल रहा है। हम आगे चल रहे हैं, अब वहाँ देखिए खेतों में चलेंगे, खेतों में वहाँ किसान काम कर रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार चुनावी मूड। सिर्फ इलेक्शन की राम राम के जरिए इकलौता ऐसा शो है जो आपको दिखाता है कि आखिरकार ग्राउंड रिपोर्ट, हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, गांव-गांव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और आपको यकीन मानिए कि कहीं भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि आखिरकार चुनावी माहौल क्या है। चलिए किसानों से बात करते हैं कि किसानों के मन में क्या है। तो हम जगह जगह जा रहे हैं और आपको बता दें गांव-गांव जा रहे हैं, खेत-खेत जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए खेतों में काम चल रहा है, ये यहाँ काम चल रहा है, गेहूं की बुवाई हो रही है और भैया काम करने के बाद आराम कर रहे हैं, क्योंकि हम चंदौसी के आटा गांव में तो चंदौसी के आटे गांव में। बीड़ी पी रहे हो? हाँ। फेंक दो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ना बीड़ी पीना फेंक दी, देखो लोग मानते हैं, एक बार बोल दो कि बीड़ी पीना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, हानिकारक है। तो खेत आपके ही है? हाँ। अच्छा अब कैसी चल रही है फसल? सही है अभी तो वैसे। अच्छा गेहूं की बुवाई करोगे? हाँ। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव सरकार ने कुछ काम किया नहीं? सरकार ने वो गायों का बिजानों का बहुत वो दिक्कत और का है, वैसे तो काम जो फसल है बर्बाद कर। अच्छा अब गांव का आटा गांव की बात करें तो योगी सरकार ने बिजली राशन ये सुविधाएं पहुंचाई? ये तो खूब मिल रही है वैसे। मिल रही है? हाँ ये तो खूब मिल रही है। हाँ। देखिए भैया क्योंकि किसान है, आप हो सकता है कि ये मेरा शो देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे अपने सोफे पर बैठकर, हो सकता है आप गाड़ी में बैठे हो तो अच्छी आपकी सीट होगी, लेकिन किसान के लिए तो ये मिट्टी है और ये मिट्टी उसके लिए बिस्तर होता है और यही मिट्टी में वो पला बड़ा होता है और इसी मिट्टी में वो बस भी जाता है, चला भी जाता है, क्योंकि मेहनत है। तो भैया अब लग रहा है कि मतलब कि योगी सरकार आएगी आ जाएगी? आएगी। हाँ। यानी गांव में देंगे वोट? हाँ। योगी सरकार है बहुत मिलेगा। चाचा तुम्हें क्या लगा है? हमें जो भी परेशानी है, मतलब रात को रखा रहे हैं, दिन को रखा रहे हैं, मतलब आवारा पशुओं की बड़ी दिक्कत है इसलिए बहुत दिक्कत है। अच्छा आवारा पशुओं की बहुत दिक्कत है इसलिए, लेकिन लग रहा है गांव में अब वोट किसे दोगे आप? वोट तो फिर देंगे ही नहीं योगी को। वोट नहीं देंगे, परेशानी है।